दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास आईटेल S2N है और इसमें प्रॉब्लम है कि ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। आईटेल का जो भी मॉडल है ऑटोमेटिक ऑफ होता है, इस ट्रिक से आप उसको सही कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक 10K का रजिस्टर लेना है। आप 5K से लेकर 15K तक कोई सा भी एक रजिस्टर ले सकते हैं, 10K का बेस्ट रहेगा, आप उसको ले लीजिए। और वो आप कहाँ से लेंगे, कोई भी आप ओल्ड मोबाइल का प्लेट रखे हैं उससे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सैमसंग का V310 मॉडल है उसी प्लेट से लिया है। और वो कहाँ पे मिलेगा आपको, मैं वो भी दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ 10K का रजिस्टर आपको कहाँ मिलने वाला है। आप आसानी से उसको फाइंड अप कर सकते हैं। और फाइंड अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं, मैं जहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको वहीं से आपको रजिस्टर मिल जाएगा। और रजिस्टर को ट्रेस करने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को मैं जहाँ पे सेटिंग बता रहा हूँ उसी पे आपको सेटिंग कर लेना है। या आप देख सकते हैं कि मैंने 20K पे सेट करके रखा हुआ है, आपको 20K पे सेट कर लेना है। और उसके बाद रजिस्टर को चेक करना है, ठीक है। आपको 10 का वैल्यू, 5 का, 15 का, जो भी वैल्यू दिखाता है आपको ले लेना है, मतलब 5 से कम नहीं रहना चाहिए। और बैटरी कनेक्टर के बीच वाले पॉइंट पर और दूसरे को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैंने सब कुछ कनेक्ट कर दिया है, मोबाइल को पैक करते हैं और पैक करने के बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बैटरी इसमें डालने वाला हूँ। और बैटरी जैसे ही डाल कर स्विच ऑन करूँगा तो ये 2 मिनट में ऑफ हो जाता था, लेकिन अभी ये नहीं होगा। तो मैं आपको वीडियो स्किप करके दिखा दूँगा ताकि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है और आप लोगों का टाइम भी बच सके। तो यहाँ पे 1 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मिनट और कंप्लीट हो गया। उसके बाद से यहाँ पे 3 मिनट और लास्ट मैंने 4 मिनट तक वेट किया था और ये मोबाइल जो है स्विच ऑफ नहीं हुआ, यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल 100% सॉल्व हो गया है। तो बस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।